वालेकुम। शेयर टू वेयर की सेकंड एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उसामा कादरी। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम लोग आसान अल्फाज में मोईशत के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कोरोना वायरस की इस वबा ने पाकिस्तान की मोईशत को किस हद तक मुतासिर किया है। नाज़रीन, बात की जाए स्टैटिक्स की तो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक चाइना का ग्रोथ रेट 6 से -1.5, इंडिया का ग्रोथ रेट 6 से -1 और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4 से -9 पर जाने का खदशा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नुकसानदेह GDP का रेट है। नाज़रीन, दुनिया की जो मार्केट है वो मंदी का शिकार है। तेल की जो कीमत है, जो खाम तेल की कीमत है, वो पिछले 18 साल में कम तरीन दर्जे पर है। नाज़रीन, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब नुकसान ये है कि पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद इन अरब ममालिक में है, जो कि वहां से कमाती है, पैसा कमाती है और वापस पाकिस्तान को रेमिटेंस की शक्ल में भेजती है और जिससे पाकिस्तान की तरक्की होती है। तो नाज़रीन, जब इन ममालिक में तेल की कीमत कम होगी तो उन ममालिक में बुहरान आएगा। बुहरान आने की सूरत में वो लोग जो वर्कर्स हैं उनको अपने मुल्क से या तो निकालना शुरू कर देंगे या उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, EIU के ही मुताबिक जो लोग इस साल पाकिस्तान में बेरोजगारी का शिकार होंगे उनकी तादाद 30 से 50 लाख हो सकती है और जो लोग टेंपरेरी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे यानी वक्ती तौर पर बेरोजगार होंगे उनकी तादाद 1 करोड़ से भी तजावुज कर सकती है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुरा बुहरान होगा। और नाज़रीन, बात की जाए दुनिया की मंडी की तो वो एक कानून एक रूल पर चलती है जो कि सप्लाई एंड डिमांड का है। डिमांड एंड सप्लाई के इस रूल के मुताबिक पाकिस्तान तब ही प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है जब उसकी बाहर से डिमांड आती है। बाहर से डिमांड की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो 3 ममालिक हैं, जो 3 बड़ी मंडियां हैं, वो पाकिस्तान के मेजर, पाकिस्तान वहां पर यानी कि अपनी मेजरली एक्सपोर्ट्स करता है, वो है USA, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज। और इस वक्त नाज़रीन कोरोना वायरस की वबा सबसे ज्यादा इन्हीं ममालिक को मुतासिर कर रही है। तो डिमांड तो जीरो है, जब डिमांड जीरो है तो सप्लाई भी जीरो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब जो लोग डेली वेजेस थे पाकिस्तान में, जिनकी तादाद बताई जा रही है कि 40 से 50 मिलियन थी, वो लोग बिल्कुल ही नुकसान में हैं और वो लोग हैंड टू माउथ जिसको कहते हैं वो आ गए हैं और उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन का रिलीफ फंड देने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक हर मजदूर को 12,000 रुपए उसके घर पर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त में से गुजर रहा है और पाकिस्तान को सर्वाइवल के लिए मंसूबा बंदी करनी ही होगी। गवर्नमेंट को ऐसे मंसूबे और ऐसे पैकेजेस अनाउंस करने होंगे जो आवाम को रिलीफ दे सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।